गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और वृद्धि विकास विषय में जानेंगे। बाल्यावस्था में भाषा विकास, कुछ कक्षाओं में हमने जाना कि बाल्यावस्था में किस तरीके से बच्चों के अंदर शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक विकास होता है। इसी कंटिन्यू में बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर भाषा का विकास, भाषा जैसे जैसे बालक बड़ा होता है भाषा के प्रति उसकी परिपक्वता बढ़ती जाती है। सबसे पहले प्रारंभिक तौर पर बच्चा वो भाषा सीखता है जो परिवार में बोली जाती है, यानी कि मातृभाषा को सीखता है। फिर उस मातृभाषा के बाद बच्चा जैसे जैसे परिवेश के संपर्क में आता है, अपने आस पड़ोस में या जो भाषा उस क्षेत्र में बोली जाती है उस भाषा के संपर्क में रहकर बालक उस भाषा को सीखता है, यानी कि परिस्थिति और सिचुएशन के हिसाब से बालक भाषाओं में अपने आप को एक तरह से मजबूत करता जाता है। और हम यूं कह सकें कि प्रारंभिक तौर पर बालक अपनी भाषा को थोड़ा सा मतलब टूटा फूटा या अधूरे शब्दों को बोलता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है अब उसमें परिपक्वता आती, अब शब्दों वाक्यों किस तरीके से दूसरों के साथ अपने आप को प्रस्तुत करना, पेश करना, इस तरीके से भाव उसके अंदर आता है। बालक के भाषा विकास में उसका परिवार, उसका आस पड़ोस, विद्यालय और जो वातावरण होता है उस वातावरण ही उसके भाषा के विकास को उसको बनाते हैं। तो ये है हमारा बाल्यावस्था में भाषा विकास। अब इसके संदर्भ में हम जान लेते हैं कि हायडन महोदय ने भाषा विकास के संदर्भ में अपना परिणाम निकाला है। हायडन का भाषा के विकास का परिणाम, हाइडर का भाषा विकास का परिणाम किस तरीके से हम इसको जान लेते हैं। पहला, लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की तुलना में तीव्र होता है। लड़कियों का जो भाषा विकास होता है लड़कों की तुलना में तीव्र होता है, ठीक है। उनमें भाषा संबंधी विकास काफी तीव्र गति से होता है क्योंकि वह मतलब ज्यादा उसमें एक तरह से प्रयासरत पाया जाता है। सेकंड, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होती है। और तीसरा है, अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने में लड़कियां अधिक कुशल होती है। तो ये बात बताई गई है हाइडर का भाषा विकास के संदर्भ में। उन्होंने अपना एक रिजल्ट निकाला, परिणाम निकाला। उस परिणाम में इन्होंने ये पाया
कि लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की तुलना में काफी तीव्र होता है, क्योंकि लड़कियों में भाषा के प्रति जो जो समझ है वो थोड़ा जल्दी पनपना शुरू हो जाता है और उनके अंदर एक जो अंदर की जिज्ञासा होती है वो भाषा विकास को तीव्र कर देती है। ठीक है, उनके जो वाक्यों की जो अंदर जो शब्द संख्या होती है वो लड़कों की अपेक्षा कितनी अधिक होती है। और भाषा विकास में भी पाया जाता है कि लड़की अपनी बात को लड़कों की तुलना में अच्छे ढंग से प्रस्तुत भी कर सकती है। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कहेंगे जो भाषा विकास हो रहा है, इस भाषा विकास में लड़कियों का भाषा विकास लड़कों की तुलना में काफी अच्छा और तीव्र गति से हो रहा है और उसमें बेहतर तौर पर डेवलपमेंट पाया जा रहा है। तो ये थे हाइडर महोदय के भाषा संबंधी परिणाम। अब हम इसको कंटिन्यू करते हुए भाषा विकास आयु में किस हिसाब से होता है वो हम समझ लेते हैं। शिशोर महोदय ने बाल्यावस्था में भाषा विकास का अपना अध्ययन किया और इन्होंने अपने इस अध्ययन में पाया, ठीक है, कि 4 से 10 वर्ष के बालकों में इन्होंने कुछ रिसर्च किया है, वो किस तरीके से है हम देख लेते हैं भाषा विकास के संदर्भ में। आयु वर्षों में शब्द 4 से 10 वर्ष के अंतर्गत आ जाएगा कि इन 4 से 10 वर्षों में बच्चों के अंदर कितनी आयु में कितनी शब्दों को उसका विकास होता है। ये शिशोर महोदय का एक एनालिसिस है, उस एनालिसिस में इन्होंने एक रिसर्च निकाला, ठीक है, इन्होंने पाया, ठीक है, इन्होंने 4 से 10 वर्ष के 117 बालक 4 से 10 वर्ष के 117 बालक पर चित्रों के माध्यम से एक रिसर्च एक एनालिसिस निकाला कि बच्चा कितने शब्द कितने आयु में बोलता है। सबसे पहले 4 वर्ष 5600 शब्द बच्चा 4 वर्ष के अंतर्गत 5600 शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है। पांच वर्ष में 9600 शब्द बोलना प्रारंभ करता है। सात वर्ष 21,200 8 वर्ष 26,309 और अंत में सीधा 10 वर्ष आ जाता है जिसमें 34,300। तो ये इनका एनालिसिस है शिशोर का, जिन्होंने 4 से 10 वर्ष के 117 बालकों पर एक रिसर्च की एनालिसिस किया जिसके अंतर्गत 4 वर्ष का बालक 5600 शब्दों का बोलना प्रारंभ करता है, ठीक है, इसके बाद 5 वर्ष का बालक 9600 शब्दों का बोलना प्रारंभ करता है, ठीक है, फिर 6 वर्ष का बालक 14,700। तो अब यहाँ पर देखिए हर वर्ष के हिसाब से शब्द संख्या बढ़ती जा रही है, 6 वर्ष में 14,000 हो जाता है, फिर 7 वर्ष में इसका थोड़ा ज्यादा हो जाता है 21,000, 8 में 26 और 10 वर्ष का बालक आते थे 34,300 वर्ष को बोलना प्रारंभ करता है। तो इस एनालिसिस से मतलब कह सकते हैं कि आयु वृद्धि के हिसाब से बालकों में शब्द और वाक्य निर्माण की क्षमता बढ़ती रहती है। तो आज हमने क्लास में ये जाना कि बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर भाषा विकास किस तरीके से पाया जाता है। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, बाल्यावस्था में भाषा विकास को
स्पष्ट कीजिए। तो आज हमने क्लास में जो जाना कि बाल्यावस्था में जो भाषा विकास होता है इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है कि किस तरीके से बाल्यावस्था में हाइडन ने बताया है कि भाषा विकास लड़कियों में किस तरीके से होता है, चाहे वो भाषा सीखने संबंधित हो, अपनी बात को प्रस्तुत करने संबंधित हो या वाक्यों का निर्माण हो। ठीक है, ये बातें हमने जानी। साथ ही साथ ये शिशोर की जो जाना कि भाई इन्होंने 4 से 10 वर्ष तक 117 बालकों को जो अध्ययन किया जिसमें 4 से लेकर 10 वर्ष तक भाषा विकास किस तरीके से होता है इसी के बारे में आप अपना असाइनमेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, इसको विषय में सूचना समझते हुए हम घर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सरकारी नियमों का कड़ी से पालन करेंगे, अनावश्यक किसी वस्तु को छूने से बचेंगे, अपने फेस को मास्क से ढकेंगे और इसी सावधानी सतर्कता से अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। थैंक यू।